Hey, hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, how are you? Well, I am also very well. Friends, somebody asked me that, sir, kya hum about to, going to ki jagah shall or will ka istemal kar sakte hain? Of course, kar sakte hain. Kyunki about to or going to ka jo sentences hota hai, wo hum future mein kiye jane wali baat ko hi karte hain. Jaise वह जाने वाला है तो वह जाने वाला है मीन्स ये फ्यूचर में होने वाली काम है तो हम जब भी फ्यूचर में होने वाली काम को काम की बात करते हैं तो उसका हम अबाउट टू गोइंग टू से ना बनाकर शैल और विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो कैसे करेंगे हम आपको अच्छी तरह से विस्तार में समझाएंगे ठीक है फ्रेंड्स ओके तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे तो कम फ्रेंड्स अबाउट टू गोइंग टू या टू का इस्तेमाल हम मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था पिछली क्लासेस में अबाउट टू गोइंग टू का इस्तेमाल जैसे वह जाने वाला है तो वह जाने वाला है से यह मतलब निकलता है कि वो भविष्य में जाएगा मीन्स अभी वो नहीं जा रहा है या अभी वो गया नहीं है वो जाने वाला है मीन्स वो जाएगा अर्थ एक ही निकलता है तो हम इसको ही इज अबाउट टू गो या ही विल गो भी लिख सकते हैं ठीक है फ्रेंड हम लैंग्वेज में सेंस देखते हैं फ्रेंड्स ग्रामर्स नहीं देखते हैं कि ग्रामर्स क्या कहता है हम लैंग्वेज में सेंस देखते हैं कि जो भी हम बोल रहे हैं उसका वही सेंस निकल रहा है क्या जो हम बोलना चाहते हैं तो वही सेंस निकलता है इसको हम ही इज गोइंग वो जाने वाला है ही इज अबाउट टू गो वो जाने वाला है ही इज टू गो वो जाने को है मीन्स जाने वाला है तो वो फ्यूचर में ही कही जाने वाली बात है इसके लिए हम ही विल गो लिख सकते हैं मैं बुक खरीदने को हूँ तो आई एम टू बाई बुक आई एम टू बाई बुक मैं बुक खरीदने को हूँ मीन्स इसका मतलब यह निकलता है कि मैं बुक खरीदने को हूँ मतलब अभी खरीदा नहीं हूँ खरीदना बाकी है लेकिन खरीदने वाला हूँ खरीदूँगा तो उसको हम ऐसे ना बोलकर ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई शैल बाय अ बुक ठीक है फ्रेंड तो इस तरह से इसमें आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है आप अबाउट टू गोइंग टू को शैल और विल लगाकर भी बिंदास बोल सकते हैं फ्रैंकली बोल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशंस बिना नर्वस हुए आप ये मत सोचना है कि मैं गलत बोल रहा हूँ ये तो अबाउट टू वाला सेंटेंस है तो इसमें शैल विल कैसे लगाऊँ ऐसा कभी मत सोचना ठीक है फ्रेंड तो फिर चलिए कुछ और सेंटेंसेस के द्वारा हम अच्छी तरह से इस पर नज़र डालते हैं और समझते हैं ठीक है फ्रेंड जैसे मेरे पिताजी बाइक खरीदने वाले हैं तो माई फादर इज अबाउट टू बाय बाइक या माई फादर विल बाय बाइक हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं ठीक है फ्रेंड वह मुझे अंग्रेजी सिखाने वाला है ही इज गोइंग टू टीच मी इंग्लिश या ही विल टीच मी इंग्लिश हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं ठीक है फ्रेंड वह कल आने वाला है ही इज अबाउट टू कम टुमारो या He will come tomorrow. सीता गीत गाने वाली है सीता is going to sing a song. या सीता will sing a song. वे लोग आज मैच खेलने वाले हैं They are about to play match today. They will play a match today. मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ आई एम गोइंग टू से टू यू समथिंग
या आई विल से टू यू समथिंग।